हेलो दोस्तों, आज हम जापान के कुछ ऐतिहासिक और दूसरे विश्व युद्ध के दिलचस्प फैक्ट्स जानेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले कुछ पुराने फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं कहूं कि जापान में मांस खाना बैन है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज से 1300 साल पहले ऐसा ही था। जापान में 1200 साल तक मांस खाने पर प्रतिबंध था। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर जापान के राजा तेनिमु ने 675 ईस्वी में मांस खाने पर रोक लगा दिया। 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों के आने से मांस खाना फिर से शुरू हुआ और 1872 में जापानी अधिकारियों ने पूरी तरह से इस प्रतिबंध को हटा दिया। यहां तक कि जापान के सम्राट भी मांस खाने लगे। दोस्तों, आप लोगों ने समुराई के ऊपर बनी हुई बहुत से मूवीज देखे होंगे। मध्यकालीन में अगर एक समुराई का तलवार अपने विरोधी को अगर एक ही वार में नहीं काट सकता तो ये उसके लिए अपमानजनक बात होती थी। ये युद्ध में जाने से पहले अपने नए तलवार से अपराधियों और लाशों को काट कर क्वालिटी चेक करते थे। इसके अलावा एक और तरीका था जिसको सूजीगिरी या चौराहा हत्या कहते थे। रात को जो कोई भी चौराहों पर चलते पाए जाते थे उनको ये समुराई अपने तलवार का निशाना बनाते थे। आगे चलकर ये प्रथा एक समस्या बन गया और अधिकारियों ने 1602 में इस पर रोक लगा दिया। जापान के महान नेता तोयोतोमी हिदेयोशी दो बार 1592 और 1598 में कोरिया पर हमला किया। ये इतने क्रूर थे कि वापस जाने से पहले करीब 10 लाख कोरियाई लोगों को मार चुके थे। ये युद्ध से अपने विरोधियों के कान और नाक काटकर ट्रॉफी के तौर पर ले जाते थे। जापान में इन कान और नाक को रखने के लिए स्मारक बने थे। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में जापान का समर्पण करीब करीब रुकने ही वाला था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने एक रेडियो प्रसारण पर आत्मसमर्पण कर दिया। इसको जेवल वॉयस ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ये रेडियो प्रसारण लाइव नहीं था बल्कि इसको उसी राज सम्राट हिरोहितो के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। मेजर केंजी हातानाका इस सरेंडर के खिलाफ था और वो तख्ता पलट करने के लिए इंपीरियल पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया। केंजी सरेंडर को रोकने के लिए जेवल वॉयस ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्डिंग को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ये कपड़े के टोकरी में छुपा कर बाहर निकाल लिया गया। मेजर हातानाका किसी भी तरह से इस आत्मसमर्पण को रोकना चाहता था, लेकिन वो इस आत्मसमर्पण को रोक नहीं पाया और पैलेस के सामने खुद को गोली मार लिया और इस तरह से जापान को आत्मसमर्पण रुकते बचा। दूसरे विश्व युद्ध तक जापान की सेना दुनिया के सबसे खतरनाक सेना में से एक थी। ये युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अक्टूबर 1944 तक जापान के वाइस एडमिरल ताकि जीरो ओनिशी ने कुख्यात कामिकेजी ऑपरेशन के आत्मघाती हमले को ही युद्ध जीतने का एकमात्र तरीका मानता था। इस ऑपरेशन के तहत जापानी पायलट अपने फाइटर प्लेन को मित्र देश के शिप से टकरा देते थे। ओनिशी को लगता था ऐसे हमले से अमेरिका हार मान लेगा। वो युद्ध जीतने के लिए इतना हताश था कि 2 करोड़ जापानियों को बलिदान करने को तैयार था, लेकिन अगस्त 1945 में सम्राट हिरोहितो के आत्मसमर्पण से निराश होकर आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि जापान के सरेंडर करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का परमाणु हमला था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान भी न्यूक्लियर बम बनाने पर काम कर रहा था। जापानी साइंटिस्ट योशियो निशिना को इस हमले का डर था 1939 से ही था। 1941 में जापान ने भी न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम शुरू किया जिसके हेड निशिना थे। इस कमेटी ने बताया कि न्यूक्लियर बम बनाना संभव तो है पर बहुत ही मुश्किल है। जापान ने एक दूसरा न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट एफ गो शुरू किया, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। एक लेखक रॉबर्ट विलकॉक्स के अनुसार जापान के पास न्यूक्लियर बम बनाने का नॉलेज था पर उसके पास संसाधन नहीं था। दोस्तों, अगर जापान ने पहले न्यूक्लियर बम बना लिया होता तो सोचिए ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक होता। दोस्तों, जापान के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और